अभिमान ही दुख का मूल कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर कार के ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। चित्र के नीचे वाले हिस्से में आपको एक गाड़ी का मॉडल महसूस होना होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार तथा उसके यात्रियों को भी चोट लगती है, संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख व सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। ओम शांति। अपने सारे दिन की आत्माएं जाती है और उन्हें याद भी करती है, परंतु उन्हें मालूम ही नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई है। उस प्यारे देश को सभी भूल गए हैं, तो आइए हम तीनों लोगों को समझें। पहले इस चित्र प्रकाश के हैं, इन्हें दिव्य चक्षु सरल भाषा में इस लोक में एक आत्मा अपने लाइफ के शरीर अर्थात और सूक्ष्म काया में यहाँ रह सकती है। तो खाली लगेगा जैसे कोई नहीं, बस साइलेंस, शांति और हर एक धर्म की आत्माओं के संस्थान अथवा सेक्शन है। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय राजकीय बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय लोधा जिला बांसवाड़ा राजस्थान में ब्रह्म कुमारी संप्रदाय के अनुयायी गण में दीदी वगैरह और उनके साथी गण पधारे और हमारे यहाँ के जो दिव्यांग बच्चे हैं और स्थानीय स्टाफ है उनको राजयोग के विषय में बहुत अच्छी सूचनाएं जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई हैं। निश्चित ही हम अपेक्षा रखते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा और आपकी संस्था के द्वारा यह जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं निश्चित ही वह परिपूर्ण होंगे, फलीभूत होंगे और आने वाले समय में हमारे यहाँ के जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे और आगामी इनका समय है वह बहुत ही अच्छा रहेगा। पुनश्च इन्हीं शब्दों के साथ में इनके पूरे समूह के प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति। आज इस स्कूल में आकर के इतना अच्छा लगा। पहले तो मैंने देखा एकदम साइलेंस है क्योंकि बच्चे बोल नहीं रहे थे, वो बधिर हैं तो ये बोल भी नहीं सकते, तो वातावरण इतना अच्छा लगा शांति का कि हमें कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा शांति लाने के लिए। फिर जब इन बच्चों को समझाया ये सब राज्यों की बातें तो इनके चेहरे पर बहुत खुशी देखी, अच्छा लग रहा था बच्चों को। और जब उनको मैं खुद समझा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी कनेक्टिविटी भगवान से होकर के इन बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम इन बच्चों के मॉरल एथिकल एजुकेशन के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा भी आकर के इन बच्चों को कुछ बताएं, कुछ बच्चों को दें जिससे बच्चों में अपनी एनर्जी को अपने फ्लो कर सके अपने ब्रेन तक और बच्चों की पढ़ाई में बहुत इजाफा हो, बच्चे और आगे बढ़ें। और हमारा लोकल सेंटर यहाँ बांसवाड़ा में भी है तो हम यहाँ के स्टाफ लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुद भी अगर इस नॉलेज को समझ लेंगे अच्छे से तो वो इन चित्रों पर बच्चों को अच्छी रीति समझा सकते हैं। जब टीचर्स ट्रेंड होंगे तो बच्चों को भी ट्रेंड कर सकते हैं और राजयोग से मन की शक्ति को वो बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।